यूपी के कासगंज में दो वाहनों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई। पूरा मामला कासगंज के गांव बिनपुरा का है, जहां निमरो के निकट एक कैंटर और एक स्कॉर्पियो आपस में भिड़ गए, जिसमें आर्मी के एक जवान की मौत हो गई। आपको बता दें कि जवान अनिल अलवर में तैनात थे, वो छुट्टी लेकर अपने घर वापस आ रहे थे। इसी दौरान सड़क हादसे में उनकी जान चली गई। मौत की खबर सुनकर पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक जवान का पोस्टमार्टम होने के बाद शव को परिवार को सौंप दिया। मृतक जवान के अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस के जवानों ने सशस्त्र सलामी दी। जवान के अंतिम यात्रा में आर्मी की एक कंपनी क्षेत्राधिकारी गवेंद्र पाल गौतम, उप जिलाधिकारी अशोक कुमार सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष केपी सिंह सहित कई बड़े अधिकारी और पुलिस बल मौजूद रहे। कुमार यादव हमारी विधानसभा मापुर के गांव बीनपुरा के रहने वाले थे, आर्मी में थे। ये छुट्टी आ रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई। आज जो है यहाँ इनको पूरे सम्मान के साथ सलामी दी गई। हम लोग सब यहाँ पूरा क्षेत्र जो है देश के लड़ने वाले जवान के सम्मान में यहाँ एकत्र हुए। सब ने बहुत हाँ, पत्नी है, दो बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है। एक बेटी 3 साल की है, एक बेटी 5 साल की है। क्या कोई मांग भी हम यही चाहते हैं कि बच्चियों के लिए सरकार और सेना की तरफ से उनका सहयोग हो। जो भी सुविधाएं मूलभूत हैं या जो भी सरकार दे सकती है वो इनको दे। हम क्षेत्र के लोग सभी इनके दुख और संवेदनाएँ प्रकट करते हैं और परिवार को ये दुख सहन करने की क्षमता दे। हमारे जवान ने पूरे हमारे कासगंज जिले का नाम रोशन किया है, हम एक बार उसको जय हिंद बोलते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम पड़ गया है, यहाँ ये गांव बीनपुरा गांव है, बीनपुर कला गांव है। इसके ही बहुत ही सम्मानित एक हमारे सैनिक बंधु जो अनिल कुमार जी, इनका नाम था, वो अपनी ड्यूटी निभा कर अपने परिवार से मिलने के लिए घर आ रहे थे। घर पहुँचने से पहले ही रास्ते में इनका देहावसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो आज जो आप भीड़ देख रहे हैं, वो सभी लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके समर्पण भाव के लिए, उनको सलामी देने के लिए आए हुए हैं। प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।